स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हम पढ़ेंगे रिवीजन 2 स्टैंडर्ड 4। रिवीजन 2 बच्चों, आपका यहाँ पर सेम फर्स्ट क्लियर होता है और आपका रिवीजन फर्स्ट मैंने क्लियर करवाया था। आज हम पढ़ेंगे रिवीजन 2। एक्टिविटी फर्स्ट, वाचो अने वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पर आपको क्या करना बेटा, पढ़ना है और पढ़ के आपको वाक्य को पूर्ण करना है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है अपना परिचय। हेलो आई एम, अब आप जो भी हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है राहुल पटेल, जैसे आई एम राहुल पटेल, आई एम मीना, आई एम सीता, आई एम गीता, वट एवर। जो बच्चा जो है वो आपको अपना क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना। हेलो आई एम राहुल पटेल, आई स्टडी इन अ क्लास 4th। तो आपको, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 4th में, तो आपको बताना है आई स्टडी इन अ क्लास 4th। माई फादर नेम इज, अब आपके जो भी पापा का नाम है वो आपको बताना है। जैसे राहुल के पापा का नाम क्या है, संजय पटेल। माई मदर्स नेम इज, आपकी मम्मा का नाम क्या है, जो भी आपकी मम्मी का नाम है, जैसे राहुल की मम्मी का नाम क्या है, मीना। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई इंडिया, अदरवाइज जो भी आपको सबसे ज्यादा प्यारा है उसके बारे में बताना। तो ये इंट्रोडक्शन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी टू के अंदर आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे, उस वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो डिफरेंट है, सबसे अलग है, उसके बारे में बताना है। जैसे हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ड्राइवर, फार्मर, फादर, डॉक्टर। अब आप मुझे बताओ इसमें से आपको कौन सा डिफरेंट लग रहा है। वेरी गुड, कौन सा लग रहा है, फादर। क्योंकि देखो ड्राइवर, फार्मर, डॉक्टर, ये तो क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक व्यवसाय होता है। परंतु फादर, फादर क्या होता है बेटा, एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। इसलिए ये क्या है, अलग है, यानी कि डिफरेंट है। ब्रदर, ग्रैंडफादर, नर्स, सिस्टर। अभी आपको तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ पर ब्रदर, ग्रैंडफादर एंड सिस्टर, ये तो सारे क्या है, रिलेशन है। बट नर्स क्या है, एक व्यवसाय है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है बेटा, अलग है। नेक्स्ट, थर्ड के अंदर देखो बेटा, रनिंग, डांसिंग, लाफिंग एंड क्लैप। तो देखो बेटा, सब ये सारे के सारे यहाँ पर, ये चारों ही क्या है, एक्शन है। बट आप देख रहे हो कि सबके पीछे क्या लगा है, आईएनजी लगा हुआ। जैसे रनिंग आईएनजी, डांसिंग आईएनजी एंड लाफिंग आईएनजी, बट क्लैप के आगे आईएनजी नहीं लगाया है। इस वजह से ये सबसे क्या है, डिफरेंट है। और जो डिफरेंट है उस पर अपन को क्या करना है, सर्कल। नेक्स्ट, फोर्थ, पेन, बुक, पेंसिल, कार। अब देखो बेटा, ये सारे के सारे थिंग्स है, बट कार जो है वो एक क्या है, ट्रांसपोर्ट है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है। बट ये सारे तो थिंग्स है, ये सारी तो वस्तु है, जैसे पेन, बुक, पेंसिल, बट कार इज नॉट अ थिंग्स। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सर्कल। नेक्स्ट, फिफ्थ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, पोस्ट ऑफिस। अब मुझे बताओ बेटा, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ये तो एक प्लेस की, यानी कि एक जगह की बात की जा रही है। परंतु डॉक्टर तो एक क्या है, प्रोफेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी 2 के अंदर हमें जो डिफरेंट है उसको क्या करना है, उस पर सकल करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, चित्र जो वाक्य वाचो अने नीचे आपेला जग्या मा चित्र साथे। मतलब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर को आपको देखना है। देखने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे, उन सेंटेंस को आपको क्या करना है बेटा, सिस्टमेटिक क्या करना है, इसको जमाना है। जैसे जो दे रखा है उसको सही ढंग से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक पिक्चर के अंदर आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में क्या है, हॉकी दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर क्या है, सन दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या बनाना है, उसके सेंटेंस बनाना है। देयर इज अ यंग बॉय इन द पिक्चर, राइट, देयर इज अ यंग बॉय इन द पिक्चर, हिज नेम इज रोल, हिज नेम इज, यहाँ पर दे रखा है रोशन। क्या दे रखा बेटा, रोशन, बट इसका नाम रोशन नहीं, इसका नाम क्या है, रहीम है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा था, हिज नेम इज रहीम, हिज नेम इज रोशन नहीं, हिज नेम इज रहीम। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम सेंटेंस भी जमा रहे हैं। फिर देखो बेटा, द सन इज शाइनिंग। अब पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं द सन इज शाइनिंग, तो हम क्या लगेंगे, ये वाला द सन इज शाइनिंग। ही इज प्लेइंग क्रिकेट या ही इज प्लेइंग हॉकी, यस ही इज प्लेइंग हॉकी, नॉट अ
क्रिकेट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसमें से सेंटेंस को क्या किया बेटा, अलग अलग छाट कर लिखे। जैसे देयर इज अ यंग बॉय इन द पिक्चर, राइट, हिज नेम इज रोशन, नो हिज नेम इज रहीम, सेकेंड सेंटेंस लिख दिया। एंड थर्ड, इट इज रनिंग, नो इट इज नॉट रनिंग, द सन इज शाइनिंग, यस द सन इज शाइनिंग, एंड ही इज प्लेइंग क्रिकेट या ही इज प्लेइंग हॉकी, तो ही इज प्लेइंग हॉकी। तो अंडरस्टैंड बच्चों, आपको समझ में आया एक्टिविटी थर्ड, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी फोर्थ। एक्टिविटी फोर्थ के अंदर क्या दे रखा बेटा, कुछ भी नहीं करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आप देख रहे हो, अ डॉक्टर, अ नर्स, अ फार्मर, अ टीचर, तो आपको इस पर क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, देखो आप देखिए, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर, जब मैं क्या हो जाऊंगा, ग्रो अप मतलब बड़ा हो जाऊंगा, मैं जब ग्रोथ करूंगा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं बनना चाहूंगा, क्या बनना चाहूंगा, डॉक्टर बनना चाहूंगा। तो आप जो बनना चाहते हैं आपको बताना। जैसे मैंने यहां पर लिखा मेरे बारे में, When I grow up, I want to be a teacher, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, यानी कि जब मैं बिग बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं क्या बनना चाहूंगी, टीचर बनना चाहूंगी। अब आपको बताना है कि आई वॉन्ट, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे, नर्स, फार्मर, टीचर या डॉक्टर। तो इस तरह से आपको क्या करना बेटा, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपकी इच्छा के अनुसार, आपके जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी फाइव। एक्टिविटी फाइव बहुत अच्छी, इसके अंदर आपको क्या दे रखी बेटा, एक पिक्चर दे रखी। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी, काउंटिंग मतलब गिनना है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, सेंटेंस को आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना। हाउ मेनी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ मेनी का मतलब क्या होता है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउ मेनी। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर कितनी गर्ल्स है, तो आप इसको काउंट करो। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी गर्ल्स नजर आ रही है आपको बेटा, 8 गर्ल्स, तो आपको लिखना है 8 गर्ल्स। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यहाँ कितने बॉय हैं, हाउ मेनी का मतलब कितना, कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, वेरी गुड, तो 9 बॉयज है, कितने बॉयज है यहाँ पर, 9 बॉयज है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर द रीडिंग, कितने बच्चे यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप पिक्चर में देखो, जैसे कि 1, 2, 2 और only 2, यहाँ पर ये रीडिंग नहीं कर रही है, तो क्या कर रहे है? कुछ लिख रहे हैं, यस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था बेटा, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रीडिंग, रीडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर ये बॉय तो क्या कर रहा है, लिख रहा है, बट ये और ये आपस में क्या, ये क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, फिंगर से बता रहे रीडिंग करते हुए, देन यहाँ पर भी देखो ये क्या करते हुए, रीडिंग। तो कितने जो है चिल्ड्रन रीडिंग कर रहे हैं, तो 2, ओके, कितने, 2। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर राइटिंग, कितने बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आप देखो only 1, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और क्या करना है, काउंटिंग करनी। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितना, आपको गिनना है और गिन कर बताना है कि कौन कितना क्या कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे बेटा एक्टिविटी 6, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको, इसको ध्यान से देखना है। देखो बेटा, चित्र जोई अने, यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखी है, उस पिक्चर को आपको अच्छे से देखना है, और यहाँ पर कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ रिलेशन के बारे में बता रखा है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे फादर मदर है ना, तो देखो सर्विल दिखाई दे रहे हैं आपको, गोपी दिखाई दे रही है, ये दिख रहे सर्विल, ये है गोपी, सिद्ध एंड शरा, ये दिखाई दे रहे बेटा। अब आपको क्या दे रहेगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहेगी, उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। जैसे सर्विल इज गोपीज, अब देखो सर्विल गोपीज के क्या लगता है बताइए मुझे, सर्विल गोपी की क्या दिखाई दे, वेरी गुड, क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति। गोपी इज सर्विल्स, गोपी जो है वो सर्विल की क्या लगती है, अब क्या लगेगी, पति की क्या लगेगी, वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, वेरी गुड। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये आ गया वाइफ, ये आ गया हमारा हस्बैंड, यहाँ से आपको क्या करना है, वर्ड्स को उठाने। शरा इज सिद्ध,
शराशिद। शराशिद के क्या है? वेरी गुड, शराशिद की क्या है? सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। एंड सिद्ध शरा, सिद्ध शरा का क्या लगता है? ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई। ओके नेक्स्ट, सिद्ध इज सर्विल। अब सिद्ध जो है वो सर्विल का क्या है बेटा? सिद्ध सर्विल का क्या है? बेटा। और बेटे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सन। सर्विल इज सिद्ध। सर्विल जो है वो सिद्ध के क्या लगते हैं? फादर। आप देखो बेटा, सर्विल जो है वो सिद्ध के क्या लगेंगे? फादर, पिताजी लगेंगे। नेक्स्ट, शरा इज गोपी। शरा जो है वो गोपीज की क्या लगती है? क्या लगती है? शरा गोपी की क्या है? डॉटर, उनकी पुत्री है, बेटी है। गोपेश्वरा की क्या लगती है? मदर। मदर मतलब माता। तो आपने देखा बेटा, यहाँ पर आपको क्या देखे, कुछ रिलेशंस के बारे में बता रखा, आपको देख के बताना कि कौन किसका क्या लगता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 के अंदर क्या है बेटा? यहाँ पर आपको कुछ बता रखा, जैसे कि दिस इज मोहन, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, He is a student, is a 9 years old, he like to playing cricket। यह मोहन है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा प्रिय मित्र है और ये एक विद्यार्थी है। कितने साल का है? 9 years old। He likes playing cricket, इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब आपको अपने बारे में, ये तुम्हारा मित्र, सॉरी यहाँ पर आपके फ्रेंड के बारे में, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, उसका फोटो लगाना है, जो भी आपका फ्रेंड है, और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस लिखने। जैसे आप अपने जो भी फ्रेंड है तो आपको बताना कि ये दिस इज राहुल, दिस इज रोहन, दिस इज राकेश, दिस इज एनीवे, जो भी है उसके बारे में बताना। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज स्टूडेंट, ये विद्यार्थी है। जैसे यहाँ पर बता रहेगा बेटा, जो भी जितने साल का है उस साल के बारे में बताना, और साथ ही साथ उसको क्या पसंद है उसके बारे में आपको बताना। तो ये आपकी एक्टिविटी 7 कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखिए बेटा एक्टिविटी 8। ये डिवीजन आपका कंप्लीट होने वाला है, लास्ट है एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 के अंदर आप जैसे देख रहे हो बेटा, यहाँ पर क्या दे रखिए, आपको पिक्चर्स दे रखिए। इस पिक्चर्स से आपको क्या करना है, जो वाचो अने जोड़ो, मतलब आपको क्या करना है, रीड करना है, देखना है, और साथ ही साथ इन सबको, इन सेंटेंस को क्या करना है, मिलाना है। जैसे देखो बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर्स में अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, हवे मु ही इज द चिमन भाई, ही इज अ ड्राइवर। चिमन भाई क्या बेटा? ड्राइवर। ही इज ड्राइविंग द बस, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ही इज चिमन भाई एंड ही इज ड्राइवर, ये क्या है, एक ड्राइवर है। देखो लिखा है ड्राइविंग द बस, तो ही इज ड्राइविंग द बस। अब जब भी कोई भी अगर बॉय है, कोई जेंट्स है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, ही का प्रयोग करते। कौन से प्रोनाउंसेंस का प्रयोग करते? ही का प्रयोग करते, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखा, शी इज शारदा पटेल, शी इज शारदा पटेल। अब शी इज अ टीचर, तो शी इज रीडिंग अ बुक। हाँ ये देखो, ये दे रहेगा शी इज रीडिंग अ बुक, ये क्या है बेटा, शारदा पटेल है, और एक ये क्या है, टीचर है, और क्या कर रही है, ये रीडिंग अ बुक, यानी कि जो वो कर रही है, जो एक्शन कर रही है, जो एक्टिविटी कर रही है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। इसी प्रकार से आप अलग भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर दे रहेगा शी इज अ सॉरी यहाँ ये देखा, चुन्नी एंड मुन्नी आर अ फ्रेंड्स, तो शी इज चुन्नी एंड मुन्नी, शी इज फ्रेंड्स, है ना। और वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखो फ्रेंड्स क्या कर रही है, तो क्या लिखेंगे, शी इज फ्लाइंग काइट्स, वो क्या कर रही है, पतंग को उड़ा रही। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और इसी के साथ आपका सेम फर्स्ट कंप्लीट होता है। यह आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में पूरा लिखने का रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।